नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 7 बजे की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, जहां पर नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को काउंसिलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और एनटीए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है उसमें मांग की गई है कि नीट अंडर ग्रेजुएशन 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसिलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज बेहद ही अहम है नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है वो फिलहाल याचिका रिजल्ट घोषित होने के बाद दाखिल की गई है। अभी तक अदालतों में रिजल्ट घोषित होने से पहले जो याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें कहा गया था कि जो सेंटर था वहां पर गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन अब जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उसमें न केवल सीधे तौर पर परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है, बल्कि जो काउंसलिंग होने वाली है उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है, एक SIT के गठन की मांग की गई है और तमाम जो दलीलें दी गई हैं उसमें सीधे तौर पर एनटीए को पक्षधर बनाया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं छात्रों के ग्रेस मार्क के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो ऐसे में एनटीए की जवाबदेही क्या है और एनटीए इस पूरे मामले में क्या बोलता है, ये आज की सुनवाई में बेहद अहम होगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एनटीए ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कही और वो ये थी कि देश भर की अदालतों में जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल हैं उन तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग एनटीए आज साथ सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल होगी क्योंकि तमाम छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात इंदौर की, जहां MBA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अक्षय कांति बम के कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। पेपर लीक मामले में जांच के दौरान आद्यलिक कॉलेज को दोषी पाया गया है। 3 साल के लिए परीक्षा सेंटर नहीं बनेगा कॉलेज। तो इंदौर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर MBA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। अक्षय कांति बम के कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। पेपर लीक मामले में जांच के दौरान आद्यलिक कॉलेज को दोषी पाया गया है। जहां तक मुझे पता है कि कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और जो दोषी है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ऐसी बात डेफिनेटली टेकअप हुई है। कॉलेज प्रबंधन की इसमें क्या कहां पर कमियां थी, उनके ऊपर क्या फाइन लगा जा सकता है, उस पर भी यहां पर निर्णय लिया गया। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, शायद 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज इटली रवाना होंगे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत होनी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला विदेशी दौरा है। G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे अमीर देशों के नेता शिरकत करते हैं। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं और इस बार ये सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली के एपुलिया में हो रहा है। सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष पर विस्तार से बात होने की भी संभावना बनी हुई है। शपथ ग्रहण के बाद पहला विदेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इटली जा रहे हैं वो और इटली की PM से भी वो आज मुलाकात करेंगे। देश के दिन मध्य प्रदेश को आज से एक नई सौगात मिलने जा रही है। CM डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए उद्देश्य से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। CM आज सुबह 9 बजे भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करेंगे। यह फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां से सिंगरौली लैंड होगी। इसके साथ ही CM भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास देंगे। PM श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फ्लैग ऑफ करेंगे। मध्य प्रदेश को आज से एक नई सौगात मिलने जा रही है, जिसका शुभ आरंभ मुख्यमंत्री प्रदेश के करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। इसका शुभारंभ आज किया जाएगा। आज 9 बजे के करीब भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। यानी कि अब से कुछ ही देरी बाद हम कह सकते हैं कि जो फ्लैग ऑफ है वो करते नजर आएंगे डॉक्टर मोहन यादव। ये फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा भी जाएगी और वहां से सिंगरौली लैंड होगी। इसके साथ ही सीएम भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास देंगे। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, कनेक्टिविटी कितनी बेहतर होगी और जितने भी पर्यटन के उद्देश्य से पर्यटक आते हैं वो कहाँ कहाँ जा पाएंगे एक बार में? अब बिल्कुल देखिए, अब मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात, एक बड़ी योजना की जो शुरुआत है वो आज हो रही है और इससे मध्य प्रदेश की जो एयर यातायात है यानी कि जो वायु सेवा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 8 शहरों की कनेक्टिविटी जो है वो पीएम पर्यटन वायु सेवा के तहत जो है वो मिल सकेगी और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन में गति लाना, ट्रांसपोर्टेशन को तेज करना, इसके साथ ही पर्यटन जो है उसमें बढ़ावा हो, लोग हवाई पर्यटन भी कर सकें और जो प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहां पर भी लोग जो है वो आसानी से पहुंच सके, लोगों के समय की बचत हो। अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि राजधानी भोपाल से रीवा अगर आप बाय रोड जाते हैं या बाय ट्रेन जाते हैं तो करीब 10 घंटे से 12 घंटे 13 घंटे तक का भी जो समय है वो लगता है और अगर किसी तरीके से कोई डिले होता है तो और भी ज्यादा समय, ये 14-15 घंटे तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं लग जाता है। तो अगर ये कनेक्टिविटी अब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे के भीतर ही ये जो पूरा यातायात है ये कंप्लीट हो जाएगा और लोगों के समय की काफी ज्यादा बचत होगी। इसी तरह अगर आप इंदौर को देखें तो 3 घंटे 3.5 घंटे बाय रोड और ट्रेन से 4 घंटे भोपाल से आने जाने में लगते हैं तो बस वायु सेवा के जरिए सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। तो बड़े पैमाने पर लोगों के समय की बचत होगी। जो मध्य प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके प्रति लोगों के अंदर जो रुझान है वो बढ़ेगा और हर किसी का एक सपना होता है कि हम हवाई यात्रा को कर सके तो एक इकोनॉमिकल तरीके से और बहुत ही कम लागत में जो है वो लोगों का ये सपना भी पूरा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से लोगों को आसानी होगी वायु सेवा लेने में। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां सीएम करेंगे सभी विभागों की समीक्षा। आज से सीएम साहब शुरू करेंगे समीक्षा बैठक, जनता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आज कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास पर चर्चा की जाएगी। मत्स्य पालन और दुग्ध महासंघ पर भी समीक्षा होगी। 14 जून को स्वास्थ्य सेवा खाद्य विभाग की बैठक होगी। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, आज किन कार्यों पर फोकस होगा? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साय जो है प्रशासनिक कामकाज में कसावट लेने के लिए आज से उनके विभागों की समीक्षा बैठक का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा और बैठक में जनता से जुड़ी मुद्दों पर जो है वो फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज जो है वो धीमा चल रहा था और ऐसे में आज दोपहर 1 बजे से कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, उसके बाद पशुधन विकास है, जिसके बाद मत्स्य पालन की समीक्षा जो है सीएम साय करेंगे और विभागों के सचिवों को विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी के लिए वहां पर जो है वो भी बैठक में जो है मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर रोजाना जो है वो बैठक होनी है, जिसके बाद आचार संहिता और चुनाव के चलते अभी प्रशासनिक काम जो है वो धीमे चल रहे थे और इसमें कसावट लाने के लिए चुनाव खत्म होते ही सीएम साय अब विभागीय बैठकों का दौर जो है वो चालू कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज होने वाली बैठक में जनता से जुड़ी योजनाओं को लेकर समीक्षा की जानी है और कई विषयों को लेकर बातचीत होने की संभावना है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस की जांच समिति आज घटनास्थल पर जाएगी और कांग्रेस की टीम घटनास्थल का दौरा करेगी। समाज प्रमुखों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी करेंगे मुलाकात, पूरी घटना की जानकारी लेंगे। जांच के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे रिपोर्ट। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की अध्यक्षता में बनाई गई है 7 सदस्यीय जांच समिति। और इसी बीच खबर आ रही है जहां कुवैत के मंगाफ शहर की एक इमारत में आग लगने से मौत का आंकड़ा 49 पहुंच गया और अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 41 भारतीय शामिल हैं।
कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में 160 से भी ज्यादा लोग रह रहे थे, जिसमें ज्यादातर भारतीय थे। कुवैत अग्निकांड में 49 लोगों की मौत हो गई है। ये बिल्डिंग आप देखिए, जो कि पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुकी है और धुआं ही धुआं, हर खिड़की से, हर मंजिल से, 6 मंजिला इमारत। कुवैत अग्निकांड में 49 लोगों की मौत हो गई, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय भी रह रहे थे। कुवैत में हुई इस दुखद घटना पर पीएम मोदी फॉरेन एक्शन में आए हैं और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को बैठक के लिए बुलाया गया। आज विदेश राज्य मंत्री कुवैत रवाना होंगे तो वहां वो घायलों की मदद करेंगे और लोगों से मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान भी किया है। तो देखिए, विदेश राज्य मंत्री आज कुवैत जाएंगे और प्रधानमंत्री ने जो इसमें पीड़ित हैं उनको 2-2 लाख की मदद का भरोसा भी दिया है और कुवैत हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बैठक बुलाई है। कुवैत की जिस इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई, वहां कई भारतीय मजदूर रहते हैं और इस इमारत के किचन से आग फैली। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद आग पूरी इमारत में फैल गई। कुवैत मीडिया के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी वो 6 मंजिला है, वहां 196 लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीय मजदूर हैं। इनमें भी अधिकतर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इन चारों तस्वीरों में आप आग का वो मंजर देख सकते हैं और उसके बाद अस्पताल तक जब जितने भी घायल हैं, जितने भी झुलसे हुए लोग हैं उन्हें पहुंचाया गया। बिल्डिंग में अचानक से आग लगी और 6 मंजिला इमारत जलकर राख हो चुकी है। फौरन जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, राहत बचाव दल ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया और सोते वक्त मौत आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान कबीर दास उइके का आज दोपहर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार की मंत्री संपतिया उइके शहीद के घर जाने वाली हैं। शहीद कबीर दास छिंदवाड़ा के पुलपुल डोह के रहने वाले थे। शहीद कबीर दास 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और अब वे 35 साल के थे। मंगलवार रात को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों और सेना में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने जहां एक आतंकी को मार गिराया तो वहीं हमले में 5 जवान भी घायल हो गए और इलाज के दौरान छिंदवाड़ा के रहने वाले कबीर दास उइके शहीद हो गए। तो शहीद कबीर दास उइके की 4 साल पहले ही शादी हुई थी, हालांकि उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन घर में पत्नी, पिता का साया भी उठ चुका था और बाकी 2 बहनें और मां हैं। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान कबीर दास उइके का आज दोपहर में अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार की मंत्री संपतिया उइके शहीद के घर जाने वाली हैं। राजेश करबेले संवाददाता साथ गए हैं। राजेश, अंतिम संस्कार कब होगा और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अंतिम संस्कार दोपहर में होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी पार्थिव शरीर आया नहीं है। जो हमारी बातचीत हुई है अधिकारियों से, उनका कहना है कि पार्थिव शरीर तकरीबन दोपहर के समय आएगा, छिंदवाड़ा पहुंचेगा। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर आने के बाद यहां से उसके पैतृक निवास पुलपुल डोह के लिए रवाना किया जाएगा, उसके बाद वहां अंतिम संस्कार होगा। प्रदेश सरकार की मंत्री संपत्तिया उइके वहां मौजूद रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला मामला, जहां 4 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। अनवर ढेबर सहित 4 आरोपी पेश होंगे। ईडी के प्रोडक्शन वारंट को विशेष कोर्ट ने किया स्वीकार। 14 जून को पेश होंगे आरोपी। आबकारी घोटाले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन प्रोडक्शन वारंट पर होंगे पेश।
सोनभद्र डेवर सहित चार आरोपी पेश होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे चार आरोपी। अनवर ढेबर सहित चार आरोपी पेश किए जाने हैं। ईडी के प्रोडक्शन वारंट को विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 14 जून को पेश होंगे आरोपी। आबकारी घोटाले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन प्रोडक्शन वारंट पर पेश होंगे। छत्तीसगढ़ महादेव सत्या केस ईओडब्ल्यू की रिमांड में आरोपी नीतीश दीवान, जहां विशेष कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की रिमांड में सौंप दिया है। 12 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है दीवान को। 24 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में ही दीवान रहेगा। जेल में बंद है आरोपी नीतीश दीवान। पूरा मामला महादेव सट्टा केस से जुड़ा हुआ है। ईओडब्ल्यू की रिमांड में आरोपी नीतीश दीवान है। एक तरफ पूछताछ का सिलसिला भी लगातार बीते दिनों देखने को मिला, कई कई घंटे पूछताछ चली है। विशेष कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की रिमांड में उसे सौंपा है। 12 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है दीवान और 24 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में ही रहेगा। जेल में भी बंद है आरोपी नीतीश दीवान। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। मां राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज के एतराज जताने के बाद प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी कहा था वो कई धार्मिक पुस्तकों के आधार पर बयान दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जा। इस बीच श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संतों ने पुलिस से शिकायत की है कि प्रदीप मिश्रा पर आरोप है कि प्रवचन के दौरान कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है। प्रदीप मिश्रा ने आरोप है कि उन्होंने कहा कि राधा जी बरसाना की नहीं बल्कि रावल की थी। लोग आज SSP साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साक्षात करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर ममः। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी इन बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बात रायगढ़ से बड़ी खबर की, जहां मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हो गई। पाइपलाइन डालने के दौरान हादसा हुआ, सिलवानी थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। बड़ी खबर रायगढ़ से, मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल पाइपलाइन डालने के दौरान यह हादसा हुआ और मजदूर की मौत हो गई है। सिलवानी थाना क्षेत्र की घटना है। ये वही पाइपलाइन जिस पर काम चल रहा था और मजदूर जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से मिट्टी में दबने की वजह से मजदूर की जान चली गई। जो है मिट्टी फिसलने से जो है मौत हो गई है। इसकी सूचना पर थाना मर कायम करके जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि RVR प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी द्वारा काम चलाया जाता है, जिसके साइड सुपरवाइजर संदीप सिंह सनाप शमशेर सिंह और 37 साल निवासी पंजाब का रहने वाला है। इसके द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए, जिसके कारण जो है घटना घटी है। प्रथम दृष्टया उसके विरुद्ध जो है जो भी साक्ष्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी।
रीवा के त्योथर तहसील में जादू टोने के शक में भाई ने भाई को मार डाला। घटना चिल्ला गांव की है। बताया जा रहा है कि बीच दरवाजे पर नींबू और लौंग को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ और विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस दौरान हरि विलास प्रजापति को गंभीर चोट आ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। इंदौर में बेजुबान के साथ बेरहमी, डॉगी के सिर पर डंडे से वार किया गया। बेहोश डॉगी को घसीटकर सड़क पर पटक दिया गया। अब सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है। एरोड्रम थाना इलाके के नरीमन सिटी की ये घटना है। पीपल फॉर एनिमल ने शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।